दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले T20 मुकाबले में ईशान किशन सूर्य कुमार यादव ने पलटा पूरा मैच, तो रिंकू सिंह ने भी निभाया साथ। इस पर दुनिया भर के दिग्गजों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। आखिरकार सानिया मिर्जा, शोएब अख्तर अफरीदी से लेकर सचिन सहवाग, धोनी तक ने क्या कहा वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे। और दोस्तों धोनी का तो बयान सुने बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का पहला T20 मुकाबला विशाखापट्टनम के राजेश्वर रेड्डी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहां भारत के ऊपर दबदबा बना के रखा, क्योंकि दोस्तों उनके बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 308 रन बना दिए थे। इस दौरान स्टीव स्मिथ के बल्ले से जहां 52 रन की पारी देखने के लिए मिली, तो मैट शॉट ने 13 रन बनाए, लेकिन रवि बिश्नोई ने यहां उनको जल्दी आउट कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी ज्यादा कुछ फायदा भारतीय टीम को मिला नहीं, क्योंकि जोश इंग्लिश ने शतक जड़ते हुए मात्र 50 गेंदों में 110 रन बना डाले, तो मार्कस स्टोइनिस ने 7, टिम डेविड ने 19 रन की पारी खेली और भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 208 रन बनाए। और भारत की गेंदबाजी इस मैदान पर कुछ कारगर दिखाई दी नहीं, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा 1 विकेट ले पाए तो रवि बिश्नोई को भी मात्र 1 सफलता हाथ लगी। अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरू होती है, जहां यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों से पूरा देश यही उम्मीद कर रहा था कि एक बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों यहां पर जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने पहला ओवर खेला, लगने लगा कि आज तो यशस्वी जायसवाल शतक जड़ेंगे। लेकिन यहां पर यशस्वी जायसवाल ने सबसे पहले तो अपने साथी खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ को रन आउट करवा दिया और वो बिना कोई गेंद खेले ही पवेलियन लौट गए। तो वहीं ऋतुराज के आउट हो जाने के बाद उतरे ईशान किशन, जहां ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल के बीच साझेदारी आगे बढ़ रही होती है, लेकिन इसी बीच जायसवाल भी 21 रन पर अपना विकेट गंवा देते हैं। हालांकि इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने मात्र 8 गेंदों में 21 रन बनाए थे और 2 चौके 2 छक्के भी जड़े थे। अब दोस्तों भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरू होती है सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के साथ, जहां इन दोनों बल्लेबाजों पर पूरी जिम्मेदारी थी टीम के स्कोर को आगे तो बढ़ाने की और साथ में मैच भी जिताने की। और यहां पर ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने यही किया। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। इस दौरान सूर्य कुमार यादव का बल्ला आग उगलता हुआ नजर आया, तो ईशान किशन ने भी बखूबी उनका साथ निभाया और देखते ही देखते भारतीय टीम ने 100 रन के आंकड़े को भी पार कर दिया था। अब ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को मात्र 108 रन और बनाकर भारत की झोली में यह जीत डालनी थी, लेकिन किसी को क्या ही पता था कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के आज पसीने छुटाकर इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक पूरा किया, तो उनका साथ निभाते निभाते उनके पीछे ईशान किशन भी आ गए और दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर यह मुकाबला पूरी तरह से पलट कर रख दिया। एक समय ऐसा था जब भारत के 2 विकेट लगातार गिर चुके थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की बल्लेबाजी के बाद तो हर कोई हैरान है कि आखिर ये कौन सा चमत्कार आज उन्होंने देख लिया। तो अब इस पर दुनिया भर के दिग्गजों की राय निकल कर आई है, तो आइए आपको बताते हैं कि सभी ने क्या बोला है। तो पहला बड़ा बयान निकल कर आता है, वो है सानिया मिर्जा का, जिन्होंने कहा अब क्या फायदा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप वर्ल्ड कप का फाइनल मैच तो हार गए, अब T20 में ऐसी बल्लेबाजी का क्या फायदा जो फाइनल में आनी चाहिए थे। ये खिलाड़ी सभी भारत के नकली हैं, इन्होंने भारत को वर्ल्ड कप हरवाया है और अब इन मैचों को जीतकर कोई भी फायदा नहीं है। चाहे सूर्य कुमार यादव यहाँ शतक बना ले या फिर रिंकू सिंह शतक लगा दे, ईशान किशन भी शतक बना दे T20 में, फिर भी भारत के खिलाड़ियों की अब दुनिया इज्जत नहीं करने वाली है, क्योंकि ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप नहीं बल्कि बस बायलेटरल सीरीज खेलना ही जानते हैं, ये बड़े कप कभी भी नहीं जीत सकते। तो वही बात करें आगे बढ़ते हो अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है शोएब अख्तर का, जिन्होंने कहा सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर तो आज मैं चकित हो गया, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के आगे सूर्य ऐसा भी प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन इस पारी का अब सूर्य की कोई फायदा नहीं है। ईशान किशन, रिंकू सिंह भले किसी ने भी कितने रन बनाए हो, लेकिन अगर भारत वर्ल्ड कप जीतता तो इसकी अहमियत देशवासियों में अलग होती। तो वही बात करें आगे बढ़ते हो अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है शाहिद अफरीदी का, जिन्होंने कहा भारत के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने बता दिया कि वो ODI के लिए नहीं बल्कि T20 के लिए बने हैं, ऐसी बल्लेबाजी देखकर मजा आ जाता है, मैं सूर्य कुमार यादव की हर बल्लेबाजी को एंजॉय करता हूं ऐसी अपने घर में बैठकर। तो वही बात करें आगे बढ़ते हो अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है वीरेंद्र सहवाग का, जिन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया की टीम से हम भले वर्ल्ड कप हार गए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम अपना बदला पूरा करेंगे 5-0 से यह सीरीज जीतने के बाद। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन को मैं बधाइयां देना
चाहता हूं कि वो फॉर्म में आ चुके हैं। अब रिंकू सिंह भी भारत को मजबूती देंगे जिससे कि भारत आगे और तरक्की करेगा। तो वही बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने कहा हमारी टीम पहले भी मजबूत थी आज भी मजबूत है। हम फाइनल मैच वर्ल्ड कप का भले हार गए ऑस्ट्रेलिया से लेकिन T20 श्रृंखला हम छोड़ेंगे नहीं। 5-0 से जीतना हमारा मेन फोकस है और हमें आज सूर्य की पारी देखकर आनंद आया है। तो वही बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने कहा भारत जीते या फिर हारे हमें इससे मतलब नहीं है, हमारे खिलाड़ी स्वस्थ रहने चाहिए और अच्छा प्रदर्शन करते रहने चाहिए। वर्ल्ड कप तो कभी ना कभी हम जीत ही लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वैसे भी बेईमानी करके मैचेस को जीता था लेकिन यहाँ हमारे खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ईमानदारी से जीत हासिल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर धोनी का यह बयान सुनकर तो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने सलाम ठोक दिया। बाकी अब आप क्या मानते हैं कि धोनी ने जो कहा है वो सही है फिर गलत, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।